Hello students, welcome back to the Vakkal tutorial. So today we are going to study the proof thats of trigonometry, chapter trigonometry. Trigonometry का proof that बड़ा easy लगता है आप लोगों को, तो आज मैं आप लोगों को सबसे easiest way सिखाऊंगा, सबसे easiest way, सच promise करता हूं मैं, बस last तक का video देखना, सबसे easiest way सिखाऊंगा किस तरह trigonometry का proof that solve करने का. इसके बाद I promise इंशाल्लाह आपको कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो pencil rubber eraser निकाल लो, सीखने वाले अपना proof that. तो स्टार्ट करते सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है. पता होगा आप लोगों को लेकिन फिर भी मेरा हक बनता है अपना बताने का, तो देख लो जरा कैसा रहेगा. हम लोग को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ हम लोग स्टडी करते हैं किसके ऊपर, राइट एंगल ट्राइंगल स्टडी करते हैं. अगर किसी को नहीं पता होगा कि हाइपोटेनस एडजेसेंट क्या होता है, तो एकदम इजीएस्ट वे, ट्राइंगल है 90 डिग्री है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है. अगर याद रखना हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला है, जो 90 डिग्री बनता है इसके सामने वाला हमेशा क्या रहेगा आपका, हाइपोटेनस रहेगा. क्या रहेगा आपका हमेशा, हाइपोटेनस. स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, कमेंट करके बता देना स्पेलिंग क्या रहेगा, तो ध्यान मत देना इस पर, या कमेंट कर देना मेरे को. हाइपोटेनस ये रहता है. उसके बाद टीटा के सामने, टीटा क्या होता है सर, टीटा इज एन एंगल विच यू डोंट नो. जैसे हम लोग अगर कोई वैल्यू हमको नहीं पता तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं ना, वैसे टीटा भी क्या होता है बेटा, एक वैल्यू जो हम लोग को पता नहीं है. टीटा के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा आपका, अपोजिट, और जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट. 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, टीटा के सामने वाला अपोजिट, और जो बच जाएगा वो रहेगा एडजेसेंट रहेगा. उसके बाद अगर एक और आपसे एग्जांपल पूछूं मैं कि बताओ बेटा ये है कि इसके अंदर बताओ मुझे कहां पे क्या है, तो आप बोल दोगे सर ये तो हो गया मेरा हाइपोटेनस. वेरी गुड बॉय, स्मार्ट. आप बताओ इसके अंदर अपोजिट और एडजेसेंट कहां पे, ये वाला अपोजिट है कि ये वाला अपोजिट है, तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर इसके अंदर टीटा कहां पे, तो टीटा रहेगा तो ही आप बता सकते हैं. अगर कोई खुश होकर बोल रहा होगा कि सर ने यहां पे अपोजिट करे तो मैं भी यहां पे कर दूंगा, नो बेटा, दैट्स रॉन्ग. फर्स्ट यू हैव टू सर्च वेयर इज द टीटा, इफ यू गेट द टीटा देन यू गेट द अपोजिट, अपोजिट. तो यहां पे टीटा आ गया तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, एडिशन ये हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप लोग को एक और चीज पता होना चाहिए कि जो इनके बंधु भाई होते हैं जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलाते हैं, कंपनीज है इन लोग की, ट्रिग्नोमेट्री कंपनी है, उसके अंदर शेयर्स टेकर रहते हैं, जो शेयर अपना काम करते हैं इसके अंदर, तो 6 लोग रहते हैं ऐसे. कौन कौन, एक होता है बेटा साइन टीटा, नॉट सीन टीटा, इट्स साइन टीटा. देन आता है आपका कॉस टीटा, देन आता है आपका टेन टीटा, फिर आता है आपका कॉट टीटा, फिर आता है बेटा आपका सेक टीटा, फिर आता है फिर कोसेक टीटा. ये 6 बंदे लोग हैं जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री संभालते हैं. अगर इसमें से किसी एक का भी देहांत हो गया, देहांत मतलब डेथ हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं करेगा. उसमें से सबसे बेस्ट, सबसे जरूरी आपको क्या लगना चाहिए, जो शुरुआत के 2 लोग हैं, इन दोनों लोग ही पूरे ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा पकड़ के रखे हैं. प्रूफ दैट सिखाना है ना मेरे को, तो याद रखना कि जब भी हम लोग प्रूफ दैट के अंदर कोई भी इसमें से आएगा तो सबसे पहले इन सबको चेंज करने की कोशिश करना किसके अंदर, इसके अंदर. अगर आपने साइन और कॉस के अंदर चेंज कर दिया, आपका ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ दैट एकदम हलवा हो जाएगा. ये तो दोनों ही ऊपर वाले बड़े मेन हैं, ठीक है. ये 6 लोग हैं, इनको याद कर लेना, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, ठीक है, याद कर लिया, वेरी गुड. अब साइन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, देखते हैं. चलो, अगर यह हाइपोटेनस है, यह एडजेसेंट है, यह अपोजिट है, ठीक है. साइन टीटा यह पहला टेकर है शेयर्स का, साइन टीटा, हाइपोटेनस, अपोजिट, एडजेसेंट. तो ये है डैड, समझो इनके, समझो ये डैड है. याद किस तरह रखने का, देखो ये डैड हो गए, ये बड़ा भाई हो गया, बड़ा भाई, बड़ा भाई, और ये होगा छोटा भाई, स्मॉल, ठीक है. अब बड़े भाई ने सबसे पहले डैडी को दावत दिया, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन टीटा हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है. अब जब बड़े भाई ने दावत दिया डैडी को, तो छोटे भाई ने बोला भाई भाई ने कुछ अपना कदम बढ़ाया तो मैं भी बढ़ाऊं, तो ये भी डैडी को फिर से दावत देगा. तो साइन अपोजिट अगर आप हाइपोटेनस है, तुम्हारा कॉस क्या रहेगा, तुम्हारा कॉस टीटा रहेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, समझ गए. तो तुम्हारा कॉस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. अब अब्बा ने देखा कि दोनों ने मुझे दावत दिया, तो मैं अब इन दोनों को दावत दूंगा, लेकिन सबसे पहले दावत उसको दूंगा जिसने पहले मेरे को दिया. तो तुम्हारा टेन टीटा क्या हो जाएगा, पहले कौन अपोजिट, फिर कौन एडजेसेंट. देखो हो गया इजी, ये भी पढ़ने का. साइन क्या रहेगा समझ में आ गया, कॉस समझ में आ गया, टेन समझ में आ गया, वेरी गुड. अब कुछ रिलेशन याद रखना आपको. देखो जो आपका साइन टीटा होता है उसका उल्टा होता है बेटा कोसेक टीटा, मतलब इन दोनों का हमेशा है ना उल्टा चलता है, जमता नहीं है कभी, कभी जमता ही नहीं कि क्या रहेगा.
तो साइन थीटा जो भी रहेगा आपका उसका उल्टा कर देंगे तो आपको कोसेक थीटा आ जाएगा, या कोसेक थीटा जो भी रहेगा आपका उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद फिर आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमेशा उल्टा किस चीज का रहता है बेटा, सेक थीटा का रहता है। मतलब जो भी सेक थीटा तुम्हारा रहेगा उसका उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और जो भी कॉस थीटा रहेगा उसका उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। जिस तरह रिलेशन साइन और किसका कोसेक का रहता है, उसी तरह रिलेशन तुम्हारे सेक और कॉस का रहता है, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा पर आते, टेन थीटा का अपोजिट होता है बेटा कॉट थीटा, एकदम समझे। टेन थीटा का उल्टा कॉट, कॉट थीटा का उल्टा टेन, समझ गया ना। ये तो तुमको पता होगा मेरे हिसाब से, सर कुछ नया बताओ ना, ये सब तो पता है मेरे को, ठीक है बेटा नया सुनो अच्छे से, पता होगा ये भी बता, फिर से नया बताता हूं मैं। देखो दिख रहा है हिस्सा, देखो यहां पे देखो, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा आपका हमेशा टेन टीटा रहेगा, हमेशा याद रखना। मैंने आपको बोला था कि चीजों को अगर कोई प्रूफ दैट के अंदर अगर ये दिखेगा तो आप चेंज किसके अंदर करेंगे बेटा, साइन और कॉस के अंदर चेंज करेंगे। तो टेन को आप चेंज कर सकते हैं बेटा साइन अपॉन कॉस, और कॉट को टीटा को चेंज कर सकते हैं बेटा आप कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा। रिमेंबर दिस वन ऑल्सो, कॉट टीटा तुम्हारा हमेशा क्या रहेगा, कॉस अपॉन साइन रहेगा, ठीक है। ये कुछ बहुत जरूरी बातें थे जो मुझे बताना आपको जरूरी लगा स्टार्ट करने से पहले प्रूफ दैट। अभी एक लास्ट चीज बचता है अपना फंक्शनल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो पहले इसको कॉपी कर लो। फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से जो तुम्हें याद करना पड़ेगा ये सॉल्व करने से पहले, अब ये सब चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसके कोई ट्रिकी टर्म्स नहीं होते हैं, सर्च कर लो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार भी याद कर लिया ना तो आपका लाइफ टाइम बुक हो गया बेटा, फिर एक बार बुक करेंगे हमेशा के लिए बुक हो जाएगा, तो एक ही बार बुक कर लो अच्छे से। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देख लेते अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिर्फ तीन ही होते हैं बेटा फॉर 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिर्फ तीन ही होते, बाकी 11th 12th के अंदर ज़्यादा होते हैं, उसको भी पढ़ लेंगे जब पढ़ना आप आएंगे 11th स्टैंडर्ड में तब पढ़ लेंगे। तो देखो सबसे पहले साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन, ओके। नेक्स्ट वन, वन प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। थर्ड वन, वन प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा, ठीक है। ये तो याद होगा, अभी कुछ और याद करो, इसका एक्स्ट्रा याद करो। अगर कोसेक टीटा को अगर उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहां पे अकेला क्या बचेगा साइन, तो साइन स्क्वायर टीटा क्या हो जाएगा वन माइनस कोसेक स्क्वायर टीटा। देखो ये मत गलती करना कि कोसेक स्क्वायर टीटा को वहां पे लेकर चले गए तो वन को माइनस में डाल दिया, ये इसका घर है बेटा, आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आपकी जगह नहीं ले सकता वो, तो वन इधर पे पहले से ही है ना, तो वो उसके बाद में जाएगा, आप उसको पहले मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा, फिर बोलेंगे क्या सिखा दिया सर ने। आगे अगर अगर उसको साइन को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा अपना, ये वन माइनस साइन स्क्वायर टीटा, वेरी गुड। सेम टू सेम इसका कर लेते हैं, टेन को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, वन इज इक्वल टू sec square theta minus 10 square theta। अभी गलती मत करना, 10 square theta minus sec square theta नहीं कर देना, इसको करेंगे तो 1 को उधर भेज दो, तो 10 square theta is equal to sec square theta minus 1, ओके। इसका चेंज करते, cot को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 is equal to cot, फिर गलती होने वाली थी, cosec square theta minus cot square theta, और 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अपना, cot स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर टीटा माइनस 1। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यू हैव टू रिमेंबर, इसके अलावा भी अगर आपको ये तीन याद है और आपको इंटरचेंजिंग करने आते हैं तो दैट्स वेरी इजी टू यू, बट इफ यू डोंट रिमेंबर दिस ना तो आपको ये भी नहीं आएगा, तो ये बहुत जरूरी है, इसको आप पढ़ लेना चाहिए एक बार। तो देखो क्वेश्चंस आ गए अपने पास, sin स्क्वायर टीटा अपॉन cos टीटा प्लस cos टीटा इज इक्वल टू sec टीटा। मेरी बात याद रखना, प्रूफ दैट सॉल्व करना है आपको तो हर चीज को साइन और कॉस में ही चेंज करना, ठीक है ना, ये तो पहले से ठीक है। तो अपना नॉर्मल मैथमेटिक्स जो तुमको आता है, सबसे पहले हम लोग लेंगे बेटा एलएचएस, याद रखना है ना अच्छे से। एलएचएस क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू, इस साइड वाले को एलएचएस बोलते हैं, इस साइड वाले को आरएचएस बोलते हैं, तो आप चाहो तो एलएचएस को आरएचएस के बराबर बताओ या आरएचएस को एलएचएस के बराबर बता सकते हैं, दोनों एक ही बात है, लेकिन ज्यादातर यूज हम लोग इसको करते हैं। तो ये क्या है अपना, साइन स्क्वायर टीटा अपॉन कॉस टीटा प्लस कॉस टीटा, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड हो गया अपना। अब देखो सिंपल मैथमेटिक्स, प्लस करने बोल रहा है तो प्लस करने के लिए नीचे वाला सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वन इन टू करेंगे तो जाएगा अपना साइन स्क्वायर टीटा,
इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पता है अच्छे से ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, नीचे को आपस में मल्टीप्लाई करो। अगर आप देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, अपना पहला आइडेंटिटी, अपना पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां पर आ जाएगा वन और यहां पर आ जाएगा बेटा कॉस थीटा। यहां पर रीजन लिखना पड़ेगा आपको, समझ गया ना, आपको पहले रीजन लिखना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। अब वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है अपना सेक थीटा, तो हो जाएगा आपका सेक थीटा, बराबर हो गया आरएचएस के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड, ये हो गया बेटा ये वाला, ठीक है। इस पे आते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वह ऐसा लिखा हुआ है सब कुछ, तो हम लोग एलएचएस लेंगे, तो एलएचएस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से देखो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपना सेकंड आइडेंटिटी होता है बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या जाएगा अपना cos स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर sec स्क्वायर थीटा, सिंपल तरीके से। रीजन पता है ना आप लोगों को क्या रीजन है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ओके। फिर अब अगर देखो सर अभी क्या करना पड़ेगा इसका बताइए जरा, तो यहां पे देखो तो कॉस स्क्वायर टीटा इंटू सेक स्क्वायर टीटा हो रहा है। अब एक चीज जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, अपने को पता है कि कॉस टीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है बेटा सेक टीटा का, ठीक है। अब अगर सेक टीटा यहां से डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस टीटा मल्टीप्लाई बाय सेक टीटा इज इक्वल टू वन। अगर आप कॉस को सेक से मल्टीप्लाई करो तो वन आएगा, तो यहां पर स्क्वायर है ना खाली, तो तुम्हारा वन स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा वन, तो देखो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट हैंड साइड देखो लेफ्ट हैंड साइड के वन आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट, और हैंस प्रूफ्ड। बहुत इजी था, चलो इजी इजी कर लेते सर, सर इजी आपको लग रहा है, अभी हार्ड वाला बताओ, इसको कॉपी कर लो पहले, तो अभी दूसरा वाला देखो, तीसरा वाला देखो, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं हम लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या रूट के अंदर वन माइनस साइन टीटा अपॉन वन प्लस साइन टीटा। अब क्या करे सर, यहां पे तो पहले से साइन साइन में, अब क्या करने का दिमाग लगाने का, दिमाग आंसर किसमें चाहिए तुमको माइनस में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसको दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि तुम्हारा प्लस वाला गायब हो जाए, ठीक है। तो क्या करने का, अब इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, जब हम लोग को ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब हम लोग को सेम रहता है उसको हम लोग कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। तो वन माइनस साइन टीटा और यहां पे क्या है वन प्लस साइन टीटा, इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताओ जरा, माइनस वाला मतलब ये माइनस वाला मतलब यहां पे एक और एक बार वन माइनस साइन टीटा आ जाएगा और यहां पे भी एक बार वन माइनस साइन टीटा आ जाएगा, नहीं समझा होगा ना, सुनो अच्छे से, अपना आंसर माइनस में चाहिए और अपनी देखो सेम सेम है तब ऐसा करना, हर बार नहीं कर देना, आंसर किसको चाहिए अपने को माइनस में चाहिए, दोनों सेम है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। अब देखो ऊपर वाला क्या रहेगा सेम है तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन टीटा द होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा एक बार ए प्लस एक, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वाला लगेगा इसके अंदर, तो एक बार ये प्लस में हो जाएगा और एक बार ये मतलब एक बार ये स्क्वायर में हो जाएगा और एक बार ये स्क्वायर में हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभी यहाँ पर तो ये तो वैसे ही रहेगा छोड़ दो, कुछ काम का है नहीं, मत सॉल्व करना इसको, वन माइनस साइन स्क्वायर टीटा हो जाएगा ये, क्यों क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो यहां पे इतना आ गया। अगर आपको अब याद होगा पुराना वाला याद होगा अगर, तो तुमको पता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा सीधा ऊपर क्या रहेगा तुम्हारा वन माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर और नीचे क्या रहेगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर सॉल्व कर देते थोड़ा बहुत यहां पर, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो नीचे सेम हो गया, तो इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो होल स्क्वायर में ले सकते हैं इसको, मतलब इसको रूट के अंदर ही वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करेंगे इसको थोड़ा अलग कर दो, तो एक बार कॉस थीटा इसके पास आ जाएगा और एक बार कॉस थीटा इसके पास आ जाएगा, अलग कर दिया खाली हम लोगों ने बस। आपको पता है अच्छे से कि अगर टू अगर ऐसा रहता टू अपॉन थ्री प्लस फोर अपॉन थ्री, तो नीचे कॉमन लेते हैं फिर ऊपर का खाली प्लस करते हैं, तो अगर ये दोनों
माइनस में ऊपर है और नीचे कॉमन है तो हम लोग ऐसा अलग भी कर सकते हैं। तो वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका? सेक थीटा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका? टेन थीटा। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसके रीजंस लिखना पड़ेगा आपको, बस रीजंस लिखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड आपका। इजी तो ना एकदम। इस पे आते हैं। हाँ, ये हुई ना बात सर, आप इसको करके बताइए। यहाँ पे तो हमने ट्राई करा लेकिन हमसे हुआ नहीं। बहुत इजी है। मैंने क्या बोला था? चेंज करना। किस चीज के अंदर चेंज करना? किस चीज के अंदर चेंज करना? साइन या तो कॉस के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखो लेफ्ट हैंड साइड सीधा मैं लेता हूँ, वाला यहाँ पे सीधा ले रहा हूँ। पहले आप इसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे ध्यान से देखना। sec थीटा अपॉन cos थीटा लिखा हुआ है ना, तो ये तो cos में पहले से ही, इसको sec में, cos में कर सकते हो। देखो जरा, अगर 1 अपॉन cos थीटा करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? sec थीटा। तो मैं इसके बदले लिखता हूं 1 अपॉन cos थीटा, और यहां पे पहले से ही cos थीटा आपका रहेगा। ठीक है, यहां पे देखो cot थीटा लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अरे वही तो बताया था हमने आपको कि किसी भी चीज को साइन और कॉस में चेंज करना, तो आप साइन और कॉस में चेंज करेंगे। अब इसे कंफ्यूज मत हो कि सर क्या कर रहे हैं आप, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि इसको ऐसा करने का है? मैंने बोला ना क्या करने का। ठीक है, अब क्या करने का? कुछ भी नहीं, मतलब वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर तुम्हारा कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा। चलो ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद रखने का, तो क्या हो जाएगा यहां पे करता हूं, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे बचेगा तुम्हारा कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे सर क्या हो जाएगा देखो, अगर टू प्लस थ्री फाइव, तो थ्री प्लस टू फाइव, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? वन। और यहां पे क्या रहेगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो देखो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा तुम्हारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पे क्या बचेगा आपका? वन अपॉन कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो इसे, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा होता है सर, वेरी गुड बॉय। और वन अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा। लो ले भाई, हो गया फिनिश। क्या बोलते हैं, मजा ही करने में ना? तो ये आपका ट्रिक रहेगा, चेंज किसमें करो? साइन और कॉस के अंदर। मजा आ रही है ना? कॉपी करो, इसके बाद और देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो ध्यान से बेटा, क्या लिखा हुआ इधर पे? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। किसमें चेंज करना है पता है आप लोगों को? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देंगे, ये हो जाता है बेटा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, बेसिक में बता दिया था कि टेन को आप साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो और कॉट को कॉस अपॉन साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बात है सर, मजा आ रही है करने में, वाह वाह बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन पढ़े हम लोगों ने, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यू हैव टू राइट द रीजन, डोंट सेट दैट कि सर ने रीजन नहीं लिखाया। तो वन अपॉन साइन थीटा अलग कर सकते हैं इसको आप, ऐसा वन अपॉन साइन थीटा और इसको लिख दो वन अपॉन कॉस थीटा। कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर सर, हर बार ऐसा करना है कि नहीं, मल्टीप्लाई में आप ऐसा कर सकते हो, और अगर ऊपर प्लस या माइनस रहा तो ऐसा कर सकते हो, नीचे अगर कॉमन रहा तो। ये हो जाएगा वन अपॉन साइन क्या होता है बेटा आपका? कोसेक थीटा। वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा आपका? सेक थीटा। से दैट की नहीं करके दिखाया मैंने, बोल दो खाली नहीं करके दिखाया, मजा ही नहीं करने में। वन अपॉन साइन कोसेक और वन अपॉन कॉस सेक थीटा, देन अब लेफ्ट राइट के बराबर, हैंड्स प्रूव्ड। अरे छापा देने का, जैसे आर्टिस्ट लोग जब कुछ बना के जाते हैं ना तो नीचे लिख के आते हैं मेड बाय एबीसी, तो छापा मार देने का। अपना छापा कैसा रहेगा? ऐसा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस, डन, हैंड्स प्रूव्ड, खत्म। दे दो कौन सा भी क्वेश्चन, मजे वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेकंड क्वेश्चन अगर याद होगा तो जब सेम रहता है और जिस क्वेश्चन में करना पड़ता है खाली अपन उसी साइन वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे करना किसमें हम लोग को? प्लस में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। मतलब ये जो लिखा हुआ है सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये एलएचएस रहेगा पता है ना? हाँ, प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या?
sec टीटा प्लस टेन टीटा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे वन के साथ, और नीचे sec टीटा माइनस टेन टीटा के साथ भी सेम यही काम करेंगे हम लोग, ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ मेरे बेटा। क्या बात है सर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर तो ऐसी रहेगा, ओके, नीचे देखो एक बार sec टीटा माइनस में एक बार sec टीटा प्लस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा इसके अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए ए माइनस बी, समझ गए। मतलब एक बार आपका ये रहेगा माइनस स्क्वायर के अंदर और एक बार आपका ये रहेगा स्क्वायर के अंदर। अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो वन प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर टीटा, तो टेन को उधर भेज दो तो वन इज इक्वल टू sec स्क्वायर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा, दैट इज दिस वन, राइट। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, वन लो, और वन का मतलब कुछ भी नहीं, तो तुम्हारा sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर आ गया, वाह वाह हो गया सर। अब जो स्कूल वाले देंगे हम करके बता देंगे। यहां पर आपका छठा क्वेश्चन खत्म होता है, मजा आ रहा है करने में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सातवां क्वेश्चन, ये है थोड़ा अपने लेवल का बेटा, देखने में मजा आ रहा होगा कि भाई फोर पावर कहां से आ गया, हमने तो टू पावर ही देखा किसी के अंदर ना, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फोर पावर देखा। सर ये बता दीजिए कैसा रहेगा, आपका आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा ध्यान से सुनना अच्छे से। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, समझो इस चीज को, ए स्क्वायर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है बेटा ए फोर, टू टू जा फोर, इंडाइसेस रूल जो हम लोग छठी सात में पढ़ते हैं तो इसमें ऐसी होता है कि आप पावर को अलग कर देंगे तो पावर मल्टीप्लाई में होता है, प्लस नहीं होता मल्टीप्लाई में होता है। मतलब अगर ए थ्री और ऐसा टू रहा तो टू थ्री क्या हो जाएगा बेटा सिक्स, तो ये हो जाएगा ए रेस टू सिक्स, तो इसको मैंने ऐसा कर दिया। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो हो जाएगा ए स्क्वायर ऐसा, समझा, sec स्क्वायर टीटा द होल स्क्वायर और cos स्क्वायर टीटा द होल स्क्वायर। अगर आपकी आंखें तेज है ईगल की तरह तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, देखो सेम ही चीज है बस एक बार माइनस एक बार प्लस हो रहा है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है स्क्वायर में है, ये बी है स्क्वायर में और बीच में माइनस है, तो ऐसा कर देंगे। मतलब एक बार इसको कर देंगे बेटा हम लोग किसके अंदर बेटा, प्लस के अंदर, और एक बार इसी चीज को हम लोग किसमें लिखना रहेगा, माइनस के अंदर, ठीक है समझे अच्छे से ना। सर स्क्वायर कहां से आया, देखो बेटा इसके अंदर स्क्वायर था ये वाला, और ये पूरा ए है मेरा और ये पूरा बी है मेरा, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अब sec स्क्वायर टीटा प्लस cos स्क्वायर टीटा, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर टीटा माइनस cos स्क्वायर टीटा, यहां पे गलती हो गई कि ये sec नहीं रहेगा, ये sin रहेगा आपका, तो सही कर दो इसको पहले, sin, ये भी sin रहेगा, ये भी sin रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है बेटा थोड़ी सी, sin हो गया ये, जबरदस्ती नहीं किया हूं मैंने, sin ही रहेगा ये sin रहेगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया लगता, ठीक है चलो आगे बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, हो जाता है कभी कभार, ठीक है। sin स्क्वायर टीटा प्लस cos स्क्वायर टीटा और यहां पे sin स्क्वायर टीटा माइनस cos स्क्वायर टीटा, तो इसको अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये तो पहला आइडेंटिटी बनता है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, चलो ठीक इतना हो गया, ये वन आ गया, आइडेंटिटी रीजन लिख देना। अब क्या करने का सर, ऐसा आंसर चाहिए, तो अगर आपको अच्छे से याद होगा कि साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन, तो अगर मैं कॉस को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, तो मैं इसके बदले, ये तो वन वन हो जाएगा, इसके बदले में लिख सकता हूं वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, और ये तो ऐसे का वैसे ही रहेगा इधर पे, इसके बदले मैंने क्या लिख दिया बेटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, ठीक है, और ये को वैसे का वैसे ही है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो वन माइनस टू कॉस स्क्वायर टीटा आ गया आंसर, लो हो गया, बहुत ईजी था कि नहीं। यहां पर आपके सात क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा, ठीक है, इसके बाद के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। तो चीजें अच्छे समझ में आ रही है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना, बस रूल याद रखना आपको, मेरे बेसिक याद रख लेना, आपका सारा 11 12 सब सवर जाएगा इंशाल्लाह इसके अंदर। बस एक काम करो आप लोग, अगर अच्छा लगा समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर करो, आगे शेयर करो, सबको बताओ कि इस तरह सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इतना हार्ड नहीं है, एकदम मजेदार है। तो लाइक करो इसको, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ नहीं आना समझ में फैलाओ यार, फैला दो पूरा इसको, और सब्सक्राइब करना मत भूलो, मजा आएगा करने में, ठीक है, इसको देख लो अच्छे से, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अपने इसके अंदर।